रेक्टिफाई समथिंग, मैंने वीडियो में बोला था कि जीनी से आप प्यार नहीं कर सकते। ओके, जीनी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके प्यार के बदले वो प्यार दे। जैसे मैं मॉम पे बिगड़ा करती थी कि यू डोंट सी माय टेक्स्ट, यू डोंट रिप्लाई माय टेक्स्ट, यू डोंट रिस्पॉन्ड टू माय टेक्स्ट, मतलब आई डोंट मैटर टू यू एंड माय फादर, माय पैटर्नल फैमिली अब बैड पीपल, और मैं उनका अंश हूँ तो मैं भी बैड हूँ, मतलब स्ट्रेंज। तो मैंने कल ही मॉम से बोला कि यू आर प्रूविंग टू बी अ जीनी। मैंने साफ बोल दिया कि यू जस्ट फुलफिल माई नीड्स, नीड्स कह लो, विशेज, तो विशेज विद नीड्स, बट यू डोंट पे अटेंशन टू वॉट आई रियली एम, जो मैं सच में हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि टिल 7-8 years आई वॉजंट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश क्वाइट वेल, मतलब थोड़ी वीक थी मेरी इंग्लिश थोड़ी, और आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश टिल आई वॉज 13 years old। तो जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देखने लगी तब मुझे इंग्लिश बोलना, एक अजीब कनेक्शन है मेरा कि इंग्लिश मूवीज़ देखने के बाद आई वॉज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉजंट एबल टू स्पीक लाइक ओके ओके काइंड, लाइक स्कूल में जितना बोल सकते, बट यूजुअल घर में आई वुड यूज मोर ऑफ हिंदी, नॉट इंग्लिश। तो और मेरी मॉम के फैमिली मेम्बर्स लाइक मेरे मामा मौसी इंग्लिश पीपल, एक्सेप्ट फॉर माई एल्डेस्ट आंट मौसी जो सबसे बड़ी थी, जिसको मैं बड़ी मम्मी बोलती थी, वो शी वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश, एंड इफ शी वॉज नो शी वॉज नॉट, एंड लिटिल बिट इंग्लिश शी वुड स्पीक विथ हर सन्स, नॉट मी। दे हैड रियली, आई मस्ट नॉट से, बट बिहारी पीपल हैव बैड एक्सेंट, एंड जो मैंने अपने घर में सबसे पहले नोटिस किया कि दे डू नॉट हैव अ गुड एक्सेंट, और इंग्लिश बोल भी लेंगे अगर गुड एक्सेंट, द हिंदी एंड उर्दू इज नॉट गुड when it comes to accent, pronunciations, diction, tempo, phonetics, they are not good. Urdu mein jaise za nahi bol pate hain, idhar eastern side ke log kafi sare aise hain, western mein bhi hain kuch kuch, shayad yahan se wahan gaye honge, kuch to ghapla, I don't know, they are not able to say like संयुक्त अक्षर बोलना भी उनके लिए मुश्किल होता है, like हिंदी में क्या होगा, जैसे उर्दू में जैसे हिंदी में संयुक्त हो गया 17, तो दे विल नॉट बी एबल टू से 17, एंड जिस्म वक्त संयुक्त है ये सारे, तो दे विल नॉट बी एबल टू से इट, ओके वो भी छोड़ो, तो एंड दे विल नॉट बी एबल टू से जंजीर या जख्म, ज नहीं बोल पाते, स्पीच डिफेक्ट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दिस मैटर्स मोर देन दिस, बट दिस ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस स्पेशली इन एन एरा लाइक दिस। तो आई वॉक्ड अपॉन माई एस, थोड़ा नेचुरल था एंड आई वॉक्ड अपॉन इट, तो बचपन से मेरी थोड़ी चीज़ें तो नेचुरल थी, थोड़ा आई वॉक्ड अपॉन इट, लाइक आई कुडंट स्पीक इन इंग्लिश टिल द टाइम आई वॉज 13। बहुत जितना स्कूल में सिखाया जाता था ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश वो उतना मैं बोल लेती थी जस्ट फॉर स्कूल, लेकिन आई कुड नॉट थिंक इन इंग्लिश, एंड आई रियलाइज दैट टू बी एबल टू स्पीक इन सम लैंग्वेज यू हैव टू थिंक इन दैट लैंग्वेज, आप उस भाषा में जब सोचते हो तभी आपके मुंह से वो निकलता है नेचुरली, नहीं तो वो मेड ऑन होता है, मेड अप, एंड मेनी पीपल हैव दैट फॉरन मेड अप एक्सेंट, मेड ऑन एक्सेंट, इट्स नॉट देयर नेचुरल, इट्स नॉट देयर। तो मैंने ये भी प्रैक्टिस किया कि आई शुड हैव अ नेचुरल एक्सेंट, आई शुड नॉट हैव अ पुट ऑन एक्सेंट, फोनी एक्सेंट, नो, लाइक BPO पीपल ऑफन हैव दैट फोनी मेड ऑन मेड अप एक्सेंट, तो नहीं वो भी मुझे नहीं चाहिए था, आई कैन डू इट बट इट्स नॉट नेचुरल। एंड देखो मैं ब्रोज भी आईब्रोज नहीं बनाती हूँ, नेचुरल आई लाइक मोर, कभी कभी वेरी रेयर लाइक कोई फेस्टिवल या कोई शादी में थोड़ा मन कर गया कि अच्छा ठीक है शेप करवा लेती हूँ, तो लिटिल बिट शेपिंग, लिटिल बिट, जस्ट अ लिटिल बिट, आई डोंट मेक पतले पतले ब्रोज,
बिकॉज मेरी लाइकिंग नेचुरल की तरफ ज़्यादा है। उर्दू में कहेंगे कुदरतन और हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक। तो प्रकृति के विरुद्ध जाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क फॉर मी। ओके।